आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी साइबर कमांड का दौरा। आर्मी चीफ का कहना था कि जंग की नौइयत और किरदार तब्दील हो रहे हैं। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग के हवाले से अहम हैं। हमें इन शोबों में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का साइबर डिवीज़न आर्मी सेंटर बनाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का भी दौरा। इस मौके पर उनका कहना था कि नई साइबर कमांड की खिदमात को बतदरीज तीनों सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाएगा। कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी साइबर इकदामात का हिस्सा भी बनेगी। आर्मी चीफ को कोर कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने खुशामदीद कहा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी साइबर कमांड का दौरा। आर्मी चीफ का कहना था कि जंग की नौइयत और किरदार तब्दील हो रहे हैं। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग के हवाले से अहम हैं। हमें इन शोबों में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का साइबर डिवीज़न आर्मी सेंटर बनाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का भी दौरा। इस मौके पर उनका कहना था कि नई साइबर कमांड की खिदमात को बतदरीज तीनों सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाएगा। कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी साइबर इकदामात का हिस्सा भी बनेगी। आर्मी चीफ को कोर कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने खुशामदीद कहा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।